फ्रेंड्स, आज ऑनी जाकवा का एक नए एपिसोड में मैं पेश कर रहा हूं आप लोग के लिए एक एक्सपर्ट फ्रॉम बंगाल जिनका नाम है मिस्टर समीक प्रसून दास। ही इज एन एक्सपर्ट वेयर ऑल जायंट एंड मॉन्स्टर फिशेज आर कंसर्न्ड। सो लेट्स मीट मिस्टर समीक प्रसून दास। सो हेलो समीक। हेलो। सो वेलकम टू द शो। आज हम लोग बात करेंगे मिस्टर समीक प्रसून दास ऑल अबाउट, गेस कीजिए आपका टॉपिक, इट्स अबाउट अ मॉन्स्टर फिश ओनली। समीक, टॉपिक क्या होना चाहिए? पीकॉक बास। यस, पीकॉक बास इज आवर टॉपिक टुडे। क्या इसको हम लोग एक खुखार फिश बोल सकते हैं कि बहुत डेडली, बहुत एग्रेसिव, डेंजरस फिश है, बहुत फ्रेंडली है? एक्चुअली ये जो फिश है ये डेडली भी है और फ्रेंडली भी है। ओके, कैसे? मतलब दोनों एक साथ कैसे हो सकते हैं? तो मुझे सुन के तो बहुत इंटरेस्टिंग लग रहा है। ये दोनों ही एक साथ एक फिश में, ये वाला एटीट्यूड कैसे आ रहा है? एक्चुअली फर्स्ट ऑफ ऑल कार्निवोरस जो भी फिश होता है, कार्निवोरस फिशेस लोग थोड़ा फियर्स और डेडली होता है। अच्छा, लेकिन पीकॉक बास भी वैसे ही कार्निवोरस है, एज ए कार्निवोरस फिश वो भी फियर्स है और डेडली भी है। लेकिन पीकॉक बास को लेके जो मैटर है वो आप देखेंगे कि पीकॉक बास आप अगर रखेंगे बहुत दिनों से और पीकॉक बास को आप अगर अपने हाथ से खाना खिलाइएगा तो वो अगर बहुत बड़ा भी हो जाएगा तो आप जैसे कुत्ता को पालते हैं, कुत्ता अगर आप बुलाते हैं तो हाथ के पास चला आता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और कुत्ता आपके हाथ से फीडिंग लेता है, वैसे ही पीकॉक बास पानी में चला आएगा और हाथ से फीडिंग लेगा। एक्चुअली पीकॉक बास मिलता है ज्यादातर अमेज़न बेसिन जो होता है, अमेज़न बेसिन का जो भी मतलब जो रिवर्स होता है, जो मतलब अमेज़न में गिरता है या फिर अमेज़न से निकला है, वो सब रिवर में पाया जाता है। और जो वाला स्पीसीज, जो स्पीसीज का पीकॉक बास जो नदी में ज़्यादा पाया जाता है वही नदी के नाम पे जनरली पीकॉक बास का नाम होता है। ओके, अच्छा। तो और ये फिर पीकॉक बास का मतलब मैक्सिमम साइज कितना होता है और उसका कितना एक्वेरियम भी कितना बड़ा होना चाहिए फॉर एन एडल्ट पीकॉक बास? देखिए, जनरली जो भी पीकॉक बास हम लोग रखते हैं वो कैप्टिविटी में तो ज़्यादा से ज़्यादा 2 से 2.5 इंच का, 2.5 फीट का होता है ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, और एक तो वेरिएंट है जो जिस 2 से 2.5 फीट हाँ, अच्छा खासा इतना बड़ा हो। हाँ, तो इसीलिए ये सजेस्टेड है कि पीकॉक बास अगर कोई रखना चाहता है एकदम बड़ा साइज का होने के बाद भी, तो उसको एटलीस्ट उसका 6 फीट का 6x2.5 तो होना चाहिए पीकॉक बास का एक्वेरियम का। और मानिए जब एकदम पीकॉक बास जब छोटा रहता है तो भी फिर उसका लिए एकदम मैंने मिनिमम टैंक साइज भी कितना बड़ा होना चाहिए? पीकॉक बास, देखिए पीकॉक बास का जो मतलब एक तो कैलकुलेशन आता है, कैलकुलेशन बोलता है कि मिनिमम टैंक साइज किसी मछली का वॉल्यूम जो भी होगा उससे तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा जो वॉल्यूम होगा उससे तकरीबन 10-15 times होना चाहिए। अच्छा, उसका साइज के अनुसार उसका टैंक का साइज? हाँ हाँ हाँ, ये मिनिमम कैलकुलेशन। हाँ, बेसिक कैलकुलेशन। हाँ, ओके ओके। अच्छा, और ये फिर ये जानना चाहेंगे कि एज टू पीकॉक बास का कितना वैरायटीज, कितना तरह का? देखिए पीकॉक बास का वैरायटी बहुत सारा होता है, जैसे कि मोनो, फर्स्ट ऑफ ऑल मोनोक्यूलर एक मोनोक्यूलर ऐसा पीकॉक बास है जिसका नाम कुछ भी नदी से नहीं है। अच्छा, मोनोक्यूलस एक्चुअली बेसिक पीकॉक बास बोला जाता है उसको। ओके, हॉबी, हाँ, इस हॉबी में तो मोनोक्यूलस हम लोगों का इधर पे जो चलता है उसमें है मोनोक्यूलस, उसके बाद आता है केलबेरी, उसके बाद आता है ओरिनोको, उसके बाद आता है आजुल, उसके बाद आता है टेमेंसिस और जिंगू। टेमेंसिस और जिंगू तकरीबन एक ही समान उसका ग्रेड माना जाता है। और अभी जो आ रहा है इधर पे हॉबी के लिए जो आ रहा है
उसके अंदर हाईएस्ट जो है वो है आपका स्पाइडर केलबेरी, वो हाईएस्ट ग्रेड का अभी तक माना जाता है। यानी कि अब केलबेरी में भी क्या उसमें कुछ वेरिएशन है ये स्पाइडर केलबेरी आप बोल रहे हो? केलबेरी का जनरली हम लोग तीन वेरिएंट पाते हैं। अच्छा, केलबेरी का भी तीन वैरायटी? हाँ हाँ। तो वो क्या क्या होता है? एक नंबर केलबेरी गोल्ड। अच्छा। एक होता है उसका, उसको बोला जाता है केलबेरी का जनरली हम लोग तीन वेरिएंट, ब्लू केलबेरी वो ज़्यादातर इधर पे आता नहीं है। ओके। और अलग जो और एक तो होता है वो स्पाइडर केलबेरी। अच्छा अच्छा, तो फिर एटलीस्ट इंडिया में जो हम लोग आते हैं उसमें सबसे पॉपुलर कौन सा आपका? ऑब्वियसली मोनोक्यूलर, क्योंकि मोनोक्यूलर का प्राइस भी बहुत ही कम है और उसका आपका मतलब उसका कलर भी जो जितना बड़ा होगा कलर भी बहुत अच्छा आता है। अच्छा, और जो सबसे अनकॉमन कौन सा है या तो सबसे प्राइसी जो सबसे कीमत ज़्यादा होता है? देखिए, अगर आप नॉर्मल वाला पीकॉक बेस में बोलेंगे तो मैं बोलूँगा कि जो लेता है जनरल जनरली हॉबी में चलता है तो उसमें मैं बोलूँगा जिंगू। जिंगू को देखने में पूरा यूनिक होता है वो अलग। अच्छा। जो जैसे केलबेरी और मोनोक्यूलर को आप अगर देखेंगे तो एक समान ही लगेगा जब वो छोटा रहेगा। अच्छा। नॉर्मल केलबेरी जो होता है केलबेरी गोल्ड, लेकिन आप अगर जिंगू को देखेंगे जिंगू पूरा अलग होता है, दूसरा कोई भी पीकॉक बेस के साथ उसका कोई सिमिलरिटी नहीं होता है। और सबसे आप रे बोल रहे हो और उसका प्राइस भी मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा होता होगा। सबसे ज़्यादा एक्चुअली होता है पीकॉक बेस में वो स्पाइडर केलबेरी का ही प्राइस। लेकिन अगर आप नॉर्मल जो मतलब अनकॉमन यूनिक जो होता है उसमें मैं ऑलवेज सजेस्ट टू कीप जिंगू। अच्छा अच्छा, तो आप जितना तरह का ये का नाम आप लिए हो तो हर तरह का ये पीकॉक बास क्या इंडिया में अभी आ रहा है क्या? देखिए, हर तरह का पीकॉक बास इंडिया में आ रहा है लेकिन जिंगू बहुत ही कम आता है। पीकॉक बास का मार्केट के बारे में आप क्या बोलेंगे? इसका बारे में अवेयरनेस बहुत ही कम था लोगों के अंदर, लेकिन अभी जो अभी एक तो ये ट्रेंड आ रहा है कि जो आदमी कम प्राइस का लोकल फिश रख रहा था वो भी एक तो अलग से टैंक करके उसमें वो चाह रहा है कि थोड़ा कोई अनकॉमन फिश उसमें रखे, तो इसीलिए पीकॉक बेस वगैरह जो मछली हो रहा है उसका डिमांड बहुत ही बढ़ रहा है। पीकॉक बेस का मोरलेस एक प्राइस कितना होता है मिनिमम? एक छोटा साइज का ही मानिए 2.5 इंचेस वाला जो पीकॉक बेस आता है मतलब एब्रॉड से आता है उसका प्राइस रेंज आपका एकदम सही से बोलेंगे तो 150 से 180 तक होना चाहिए। अच्छा, और मानिए क्या मोनोक्यूलर? ऑब्वियसली। ओके, ऑब्वियसली आप बोलना चाह रहे हो स्पीशीज टू स्पीशीज, उसका प्राइस तो वेरी करता है। और कुछ स्पेशल कुछ उसका सेटअप ऐसा कुछ होना चाहिए? कोशिश करना पड़ेगा कि वाटर का पीएच तकरीबन 7 से कम रहे। उसका फिर आइडियल टेम्परेचर क्या? आइडियल टेम्परेचर होता है एक्चुअली पीकॉक बेस का 24 to 30। और फिर उसका फीडिंग डाइट लेके थोड़ा बहुत बोलिए। तो बेस्ट फीडिंग होता है उसको थोड़ा सर्कुलेट करके उसको फीडिंग कराना पड़ता है। आप अगर पूरा आप ड्राई में स्विच कर जाएंगे तो उसमें भी प्रॉब्लम आएगा, अगर पूरा आप वेट में या फिर लाइव में स्विच कर जाएंगे तभी प्रॉब्लम आएगा। तो एज पर मैं जो भी करता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ कि आप वीकली 1 to 2 डेज आप उसको लाइव फीडिंग करा सकते हैं। okay. और वीकली 2-3 दिन आप उसको फ्रोजन ब्लड वर्म, फ्रोजन आर्टिमिया ये दे सकते हैं और उसके साथ साथ आप बाद बाकी जो भी होगा उसमें ड्राई अप सर्व कर सकते हैं। लेकिन मेन जो बैटर है पीकॉक बेस सभी चीज़ खाता है वो उसको एक्चुअली हैबिट्यूटेड करना होता है। ओके, मतलब हर तरह का वो ट्रेनिंग देना पड़ेगा। हाँ, हाँ। कि ये क्या फिर इन दैट केस आप बोलना चाह रहे हो दैट इज अ मिथ कि वो कार्निवोरस है सिर्फ मीठी खाना खाता है? नहीं नहीं नहीं, ये मिथ नहीं है एक्चुअली। अच्छा। एकदम फैक्ट है कि वो कार्निवोरस ही है। ओके, जो कॉम्पैटिबिलिटी लेके बोलिएगा ना उसके साथ टैंक में कौन कौन सा और फिशेज हम लोग रखते हैं? देखिए, पीकॉक बेस के साथ में कोई कोई एलिगेटर गार रखते हैं। okay. तो मैं सजेस्ट करूंगा एलिगेटर गार नहीं रखने के लिए। रीज़न बिहाइंड दैट के एलिगेटर गार अगर सही रहेगा तो ठीक है,
लेकिन ज़्यादातर टाइम आप वीडियो में देखेंगे अच्छा होगा, और किसी का टैंक में एक साल दो साल रहेगा। लेकिन जो प्रॉब्लम होता है, अगर एलिगेटर गार का कोई इशू होता है तो वो पीकॉक बेस का टेल में भी बाइट दे सकता है। होता है ब्रीडिंग कभी कभी मोड में अगर हो तो वो भी वैसा भी होता है, वैसा में भी लोग होता है काफी हार्ड फिशेस एग्रेसिव हो जाते हैं। और सभी मॉन्स्टर फिशेस आप पीकॉक बेस के साथ रख सकते हैं एलिगेटर गार छोड़ के, लेकिन जो मैटर है वो आपको साइज थोड़ा मैच करके रखना होगा। उसका स्पेसिफिक कुछ टैंक का रिक्वायरमेंट जैसे लाइटिंग, फिर पानी का फ्लो मूवमेंट, ऐसा कुछ? पानी का फ्लो अगर रहेगा तो अच्छा है। टैंक का भी एकदम आइडियल एक सेटअप हर फिशेस का होना चाहिए, जिससे कि उसका एकदम ऑप्टिमम वो खुश रहे। और एक फिशेस जानिएगा अगर खुश रहेगा तो उसका कलर भी वो ऑप्टिमम मैक्सिमम वो शो करेगा ही करेगा। सो फिर उसको खुश रखने के लिए व्हाट इज द बेस्ट वे टू कीप इन अ टैंक, और उसका टैंक का सेटअप बेस्ट कैसा होना चाहिए? देखिए पीकॉक बेस एक्चुअली दो टाइप का सेटअप में बहुत अच्छा रहता है। ठीक है, एक टाइप का सेटअप आप रख सकते हैं कि वो अगर ब्लैक वाटर सेटअप होगा। अच्छा। और दूसरा टाइप का जो होता है वो होता है आपका, अगर आप वाटर में कोई प्लांट वगैरह रखेंगे जिसमें पीकॉक बेस छुप सकेगा, और पीकॉक बेस का वो थोड़ा जंगल का ऐसे लगेगा। एक मिनिमम थोड़ा बहुत ही हाइडिंग ब्लैक वाटर करे तो उसमें थोड़ा बॉगुड दीजिए, उसमें थोड़ा आप आमंड लीव ऐड कीजिए, उसमें बॉगुड ड्रिफ्टवुड का थोड़ा बड़ा साइज का बॉगुड ड्रिफ्टवुड दीजिए, और थोड़ा नीचे पे सैंड दीजिए, ऐसे अच्छा रहेगा। नहीं तो आप मतलब वो जो सेकंड टाइप सबस्ट्रेट में, यानी सबस्ट्रेट यानी स्टोन्स या तो ग्रेविल या तो सैंड, सैंड इज द बेस्ट। एकदम बेयर बॉटम कौन सा नहीं? बेयर बॉटम देखिए स्टॉकिंग के लिए, कोई अगर सेलर सेल करेगा तो उसका स्टॉकिंग के लिए बेयर बॉटम इज ओके, बट अगर आप रखना चाहते हैं तो बेयर बॉटम इज नॉट रिकमेंडेड एट ऑल। तो अगस्ता जो मेन जो डिजीज होता है उसके बारे में थोड़ा बोलिएगा ना, और एस टू उसका फिर प्रिवेंशन भी, किस तरह से वो डिजीज नहीं बिल्कुल हो ही नहीं, उसका प्रिवेंशन, और अगर हो जाए तो फिर उसका क्योर फिर कैसे करें? देखिए पीकॉक बेस का जो मेन इशू होता है, जो डिजीज होता है वो है मेन ईक। जो भी टैंक में है उसका 10% आप एग्जिस्टिंग वाटर को 10% टॉप अप कर दीजिए। उसके बाद आप कोई भी ब्लू, मेथिलीन ब्लू कोई भी, मतलब अब वैसे बाजार में बहुत सारा मेथिलीन ब्लू का आइटम्स है, आप कोई भी ले सकते हैं, और उसके साथ साथ आप रॉक सॉल्ट ऐड कीजिए, और टेम्परेचर जो भी है आप थोड़ा उसको बढ़ा दीजिए, मतलब 30 के आसपास कर दीजिए। जनरली दो दिन के बाद फिर से एक ही काम करने से, दो बार तीन बार करने से ही ऐसे वो चल जाते हैं। अच्छा। तो आप 10% वाटर चेंज करेंगे तब स्पॉन्ज को भी थोड़ा धो देना होगा। फिन रॉट, अच्छा, फिन रॉट का जो प्रॉब्लम होता है उसका सॉल्यूशन आपका एक ही है, वो आप कोई भी बाजार में बहुत सारा एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल मेडिसिन अवेलेबल है जो एक्टो बैक्टीरिया या आउटसाइड का फंगस रिमूव करता है, तो वो यूज़ करने से ही जनरली अगर ठीक ठाक मतलब क्योरेबल पोजीशन पे रहेगा तो उसको क्योर कर देता है। क्या एक से ज़्यादा पीकॉक बेस हम लोग एक ही टैंक में रख सकते हैं? देखिए पीकॉक बेस अगर रखना है तो पीकॉक बेस को मैं सजेस्ट करूँगा एटलीस्ट टू एनी हॉबीस्ट, आप या फिर एक रखिए या फिर तीन या उससे ज़्यादा रखिए। अच्छा, दो नहीं? दो एकदम से नहीं। ओके। क्योंकि अगर दो रखेंगे वो उस फाइटिंग नहीं कर सकता है, लेकिन आपका 60-70% चांस रहता है फाइट करके एक तो पीकॉक बेस ही बचेगा उसमें, और दूसरा पीकॉक बेस मर जाएगा। ओ, और आई होप खास करके अगर मेल मेल हो तो शायद पक्का फाइटिंग। हाँ। और मेल और फीमेल अगर हो तो शायद वो फाइटिंग नहीं। हाँ, लेकिन मेल फीमेल तो आप अगर आप जैसना साइज में आता है उसमें तो आप मेल फीमेल हम लोग रिकॉग्नाइज कर ही नहीं सकते। वो आप बोलना चाहो फिर वो हम लोग ये क्यों ले, वो रिस्क क्यों ले? हाँ, कि हाँ, वो मेल मेल और फीमेल ही होगा। हाँ, रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते, सो बेटर
आप एक ही चाहिए या तो मोर देन टू, थ्री, फोर, फाइव होल। अगर आप पहले टाइम पीकॉक बेस ले रहे हैं तो कितना पीसेस लेंगे आप? तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप 6 पीसेस मिनिमम लीजिए। क्योंकि पीकॉक बेस जो है ना वो एकदम ग्रुप में रहना बहुत पसंद करता है। और अगर ग्रुप में रहेगा पीकॉक बेस तो उसका स्ट्रेस लेवल बहुत ही कम हो जाता है। अगर कोई भी वेरिएंट होगा पीकॉक बेस का जिसका मानिए मतलब आपको पालने का बहुत इच्छा है, ठीक है, आपको पालने का इच्छा है पर आपको मिल नहीं रहा है, आप शायद सेलर वेलर से आप लाने का कोशिश कर रहे हो, फायर माउथ पीकॉक बेस बोल के एक तो पीकॉक बेस होता है, उसका नीचे वाला जो जॉ होता है वो पूरा लाल होता है, तो वो एकदम से यूनिक देखने वाला पीकॉक बेस है। तो उसको हम अभी तक किसी के पास भी हम इंडिया में नहीं देखे हैं, लेकिन वो अगर मैंने मेरा बहुत इच्छा है कि उसको हम पाले, उसको बड़ा करें, वो कोई अगर लाके देगा, यही बात है। ओके, तो फ्रेंड्स इन दिस मैनर वी उम्मीद है कि आपको ये पीकॉक बेस लेके ये वाला वीडियो आप लोग को बहुत ही इंटरेस्टिंग लगा होगा और पसंद आया होगा। सो आई विश मिस्टर सुमित पुरसुंदास हु इज एंड पीकॉक बेस एक्सपर्ट मेनी मेनी थैंक्स टू यू। सो थैंक यू सुमित।